नमस्ते दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने किचन ममता की रसोई में। तो आज मैं बनाऊंगी सिंघाड़े के आटे का हलवा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक 500 ग्राम का पैकेट ले लिया है, देखिए ये मैंने बाज़ार से लिया है। आप चाहे तो वो सिंघाड़ा लेके घर पे कूट के उसे अच्छी तरह से चाल के इस तरह का पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बना लिया है, तो मैं आधे का बनाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक पैन को रखती हूँ, या कढ़ाई आप कुछ भी रख सकते हैं, मोटा तले का होना चाहिए। तो मैं इसमें एक चम्मच घी डाल दूँगी, गाय का घी है देसी, व्रत के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो वैसे भी खाएं, बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो अच्छी तरह से मैं इसे भून लूँगी जब तक इसका कलर ब्राउन कलर ना हो जाए। आटे को हमें अच्छी तरह से भूनना है, तो 3-4 मिनट लगातार हम इसे भूनते रहेंगे, बीच में रोकेंगे नहीं, नहीं तो जलने लगेगा। और हमें जल्दी जल्दी इसको चलाना है। देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी चला रही हूँ, नहीं तो ये पकड़ लेगा। आँच मीडियम पर है और स्लो स्लो पकाना है हमें, इसे भूनना है। देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, अब भून के तैयार हो गया है आटा। इस तरह का होना चाहिए कलर। अब आप चाहे तो इसे किसी बर्तन में निकाल के ठंडा कर लें, और नहीं तो इसी में रहने दे 2-3 मिनट। अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा चीनी और पानी डाल के घोल बनाएंगे। तो देखिए ठंडा हो गया है ये थोड़ा थोड़ा, अभी फिर भी थोड़ा गर्म है। तो मैं इसी में 4 चम्मच चीनी डालूँगी। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, आप जितना मीठा खाते हो पसंद करते हो उस हिसाब से डाल लें। उसके बाद एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दें, और फिर पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसे अच्छे से घोलेंगे, जैसे इसमें गांठ वगैरह ना रहे। देखिए मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसे लगातार अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी भी ये गर्म है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मिक्स करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसमें गांठें नहीं पड़ती हैं। थोड़ा सा बना रही हूँ तो इसी में मिक्स कर लेती हूँ। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप इसे किसी तपेली या बर्तन या भगोने में डाल के आटे को, फिर उसके बाद आप चीनी पानी मिक्स कर लेंगे और पतला सा घोल बनाएंगे। और उसके बाद फिर से गैस मैंने ऑन कर दिया है। देखिए गैस ऑन करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं बढ़िया तरह से घोल बना ली हूँ। अब मैं इसे पकाऊंगी, और पकाते वक्त हमें लगातार चलाना है, नहीं तो ये पकड़ लेगा, एक ही जगह पे गांठ बन जाएगा। देखिए अब इसे फटाफट से पका लेना है। एक उबाल आ गया था, मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी, बढ़िया तरह से चलाना है, नहीं तो एक ही जगह पे ये गांठ बन जाएगा। इस तरह से 2-3 मिनट में ही पक के तैयार हो जाता है, 2-3 मिनट में ही पक के तैयार हो जाएगा ये। फिर इसे मैं एक बर्तन में पलट लूँगी। देखिए अच्छे से बन के तैयार हो गया है, अब मैं बर्तन में पलट लेती हूँ। जैसे इसमें मैं इसे जमा दूँगी, फिर बर्फ़ी के जैसे कट कर लूँगी। आपको वैसे पसंद हो तो आप वैसे भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे जमाऊंगी प्लेट में, देखिए मैंने प्लेट में डाल दिया है जमाने के लिए। अभी ये गर्म है, देखो धुआं भी निकल रहा है, तो इसे 3-4 मिनट तक ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। आप जिस बर्तन में इसे जमाएं उसमें हल्का सा देसी घी लगा दें, ताकि ये बढ़िया से छोड़ दे। अभी भी ये थोड़ा गर्म है, फिर भी मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने एक निकाल के दिखा दिया, अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद अच्छे से निकलेगा।
ये देखिए कितने अच्छे से छोड़ दिए हैं इस तरह से पीसेस करके, और देखने में अच्छा भी लगता है और खाने में भी टेस्टी होता है। ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हफ्ते में एक बार तो बना के खा ही लें। आप देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है, तो आप भी बनाइए खाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दो। मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ।